हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आधी रात में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थाट्स क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिल में दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की सोच क्या है और क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, इस पर्सन के इंटेंशंस आपको लेकर क्या हैं, ये सब देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं रिसेप्टिविटी, स्ट्रेस, सेलिब्रेशन, प्लेफुलनेस एंड द माइजर। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपको खोने से डरता है। ये इंसान आपको जब इमेजिन करता है ना, तो अपने साथ इमेजिन करता है। आप इस पर्सन के साथ साथ चल रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ बन चुके हैं, इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, आप एक हैप्पी कपल हैं। तो आपको जब लोग देखते हैं तो आपकी मिसालें देते हैं, इस तरह ये पर्सन इस वक्त भी इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन आपको अपने ख्वाबों ख्यालों में इस तरह इमेजिन करते हैं कि आप इस पर्सन के अपने हैं, चाहे इस पर्सन के साथ आपका किसी भी तरह का रिश्ता क्यों ना हो, चाहे आप एज अ फ्रेंड ही दूसरे के साथ में क्यों ना हो, या फिर ये इंसान आपका क्रश ही क्यों ना हो, जब कभी भी ये पर्सन आपको देखता है तो आपको देखकर ये पर्सन सबसे पहली चीज़ जो सोचता है ना, वो यही है कि आप इस पर्सन के अपने हैं और काश कि आप इस पर्सन को मिल जाएं, इस पर्सन की लाइफ में शामिल हो जाएं। ये पर्सन आपको ख़ुद से अलग करके नहीं देख पाते। ये पर्सन जब भी सोचता है आपके बारे में तो अपने साथ सोचता है। आप इस पर्सन की लाइफ बनते जा रहे हैं और ये पर्सन अपनी लाइफ को आपके बिना इमेजिन ही नहीं कर सकता, इस तरह ये पर्सन इस वक्त भी फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंसान आपके साथ हर दिन ना सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ हर लम्हे को खुलकर जीने का सोचता है। ये पर्सन जब कभी आपके बारे में सोचता है तो इस पर्सन को खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को एक मस्कुलर एनर्जी से निकाल कर ना फेमिनाइन एनर्जी में ला दिया है। ये पर्सन अब आपके जैसा ही सोचने लगा है और बदल रहा है ये पर्सन खुद को आपकी खातिर। ये पर्सन पहले जो भी था ना, इस पर्सन में ईगो था, गुस्सा था, घमंड था, वो सब ना कुछ हद तक तो कम हुआ है और आपके लिए ये पर्सन पूरी तरह से खुद को चेंज कर देगा। इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है ये पर्सन, आप जो चाहें ये पर्सन आपके लिए करने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने कहा, एक्शन लेने की हम बात करेंगे कि क्या ये पर्सन आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, तो हाँ, बहुत हद तक चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा और ये पर्सन आपके लिए वो करेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि अब ये पर्सन जब आपके बारे में सोच रहा है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको खो नहीं सकता, खोने का ख्याल ही इस पर्सन को डर आ रहा है। ये पर्सन डर जाता है जब ये सोचता है कि आपको कोई और ले जाएगा, आप किसी और का हाथ थाम लेंगे, आप किसी और के साथ हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, ये पर्सन अकेले अगर रह जाएंगे तो कितने तन्हा हो जाएंगे। इस तरह जब ये सोचता है ना, तो ये पर्सन डर जाते हैं और ये पर्सन खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो इस पर्सन को आदत है जीतने की। अगर इस पर्सन ने जीतने का सोचा है ना, तो ये पर्सन जीत कर रहेगा। इस पर्सन को आपके लिए कुछ भी करना पड़ा तो ये पर्सन करेगा, क्योंकि एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो सब कुछ पाना चाहता है, जिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करता है वो सब इस पर्सन की लाइफ में हो। ये पर्सन ये चाहता है, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, ये पर्सन दिल पर भी लगा लेते हैं, जिसका स्ट्रेस भी ये पर्सन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने अगर इस पर्सन को कुछ बोला है, इस पर्सन के साथ आपका बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं रहा, या इस पर्सन को ऐसा लगा कि आपने इस पर्सन को अच्छे से समझा नहीं, या इस पर्सन को फॉर ग्रांटेड लिया, या इस पर्सन की उतनी रिस्पेक्ट या प्यार आप नहीं करते, तो ये पर्सन इस बात से दुखी है। चाहे आप इस पर्सन को कितनी भी रिस्पेक्ट क्यों ना देते हों, कितना भी प्यार क्यों ना देता हों, पर ये पर्सन ना ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन ही ज़्यादा देता है। तो इस पर्सन ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आपने इस पर्सन को ज़्यादा दिया है, बल्कि ये पर्सन ये सोचता है कि ये पर्सन आपको ज़्यादा देता है। चाहे वो रिस्पेक्ट की बात हो, केयर की बात हो, प्यार की बात हो, या फिर आपके बारे में सोचने की ही बात क्यों ना हो, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है, जबकि ये पर्सन इमेजिन ज़्यादा करता है चीज़ों को। और इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इस पर्सन ने वो सारी चीज़ें कर दी हो, जैसे रियलिटी में इस पर्सन ने वो सब कुछ कर दिया हो जो इस पर्सन ने सोचा है।
तो इस पर्सन की सोचों में आप रहते हैं, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखने लगा है, पहले नहीं भी थी तो अब आ गई हैं और इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ गई हैं कि ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है। जब कभी भी ये पर्सन आपसे दूर जाने का सोचता है तो इस पर्सन का दिल जैसे कि ना घबरा उठता है और ये पर्सन इस उतावलेपन में नज़र आ रहा है कि बस आपको पाले। तो इस पर्सन में ये उतावलापन, ये बेचैनी देखी जा सकती है। ये पर्सन एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्ते बनाने में विश्वास करता है, उनको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता, यानी दूर जाते हैं ना जब इस पर्सन से रिश्ते तो ये पर्सन सह नहीं पाते, दूरियां ये पर्सन नहीं सह पाते। इस पर्सन को बहुत तड़प और बेचैनी महसूस होती है जब ये पर्सन किसी को खो देते हैं, तो ये खोने के ख्याल से ही डरता है ये पर्सन। रिश्ते बना तो लेते हैं ये पर्सन, पर रिश्तों को तोड़ना इस पर्सन को नहीं आता, या फिर ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं कि आप ऐसे इंसान हैं, आप इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हैं, आपको रिश्ते बनाना अच्छा लगता है, उन्हें निभाना अच्छा लगता है, लोगों के साथ आपने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए हैं, चाहे वो किसी भी नाम से क्यों ना हो, यानी कि आपने जो भी रिश्ते अब तक बनाए हैं उन्हें निभाया है और इस पर्सन के साथ भी आपने अच्छे से रिश्ता निभाया है। और ऐसा ही ये पर्सन भी सोचते हैं अपने बारे में कि ये पर्सन भी रिश्ते बनाकर उन्हें तोड़ते नहीं बल्कि निभाते हुए चलते हैं। चाहे इस पर्सन को किसी भी रिश्ते में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, ये पर्सन तब भी रिश्ता तोड़ते नहीं हैं, ये पर्सन उस इंसान के साथ रिश्ता निभाते हैं। जैसे कि इस वक्त भी ये पर्सन ऐसा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में जैसे बहुत कुछ बदल गया हो। इस पर्सन ने अपने आप को तो बदला ही है, इस पर्सन ने अपना लाइफ स्टाइल भी जैसे बहुत हद तक चेंज किया है। इस पर्सन की नज़र में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पर्सन को जितने अच्छे से पहले समझते थे ना, शायद आप उतने अच्छे से अब नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक चेंज हुआ है आपके लिए। तो आपको या फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों में अभी थोड़ा गैप है, आप दोनों एक दूसरे को समझ कर भी ना नहीं समझ पा रहे, तो ऐसा इस वक्त ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। या फिर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच कोई फाइट हुई है, अनबन चल रही है, बात नहीं कर रहे, या कॉन्टैक्ट पूरी तरह से बंद है, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही क्यों ना हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी रिश्ते से जुड़े हुए हो, या फिर सिचुएशन किसी भी तरह की क्यों ना बनी हुई हो, सिचुएशन इम्प्रूव होगी और ये पर्सन कुछ भी करके आपके साथ में सारी चीज़ों को क्लियर करने का सोच रहा है। और इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि वक्त गुजर रहा है, दिन बीतते जा रहे हैं, रातें एक के बाद एक आ रही हैं और जा रही हैं, और पर इस पर्सन की लाइफ में आपको लेकर अभी भी ना आपको शायद वो मकाम हासिल नहीं है जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। तो ये पर्सन इसके बारे में सोच रहा है कि आपके साथ कोई एक ऐसा बंधन जोड़ा जाए, एक ऐसा रिश्ता बनाया जाए जो कभी टूट ही ना सके, अटूट बंधन ये पर्सन आपके साथ चाहता है। आपको ना ये पर्सन एक ऐसे रूप में देख रहा है जहाँ आप अपनी लाइफ को खुलकर जीना चाहते हैं और ये पर्सन भी खुलकर जीना चाहते हैं। तो आप दोनों जब एक साथ होते हैं तो इस पर्सन को ये महसूस होता है कि आप एक और एक 11 हो गए हैं, कि पर्सन आपको खुद से अलग करके नहीं देख पाता। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप में ना, आप दोनों में यानी एक जैसी लगती हैं, जो ये पर्सन इस वक्त भी सोच रहा है उन चीज़ों के बारे में, उन बातों के बारे में जो आपके साथ इस पर्सन ने की हैं। भले ही इस वक्त ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा हो, पर उन बातों को ये पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है जो आप दोनों के बीच पहले हो चुकी हैं। चाहे वो प्लानिंग ही आपने किसी चीज़ को लेकर क्यों ना की हो, या फिर आपने अगर शादी प्लान की है तो इस वक्त ये पर्सन उस चीज़ के बारे में सोच रहा है कि किस तरह से करनी है सारी चीज़ें। इस वक्त इस पर्सन की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है ना, या सबसे बड़ी जो विश है ना, वो है आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना। इस पर्सन ने अपनी लाइफ का बहुत अच्छा वक्त आपके साथ बिताया है, ये पर्सन फिर से लम्हों को, मोमेंट्स को जीना चाहता है। तो फिर से ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों एक साथ आएं, आप दोनों अच्छा वक्त फिर से बिताएं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो और आप दोनों के बीच चीज़ें आगे बढ़ें। ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार है, पर क्लैरिटी इस पर्सन को नहीं मिल रही, या तो आपकी तरफ से या फिर इस पर्सन ने ही अब तक आपको क्लैरिटी नहीं दी है। तो इसके बारे में सोच विचार करता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जब आपके बारे में इस वक्त सोच रहे ना, रात का वक्त है, आप ही इस पर्सन के ख्वाब ख्यालों में हैं,
इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में जब सोच रहा है, इस पर्सन के दिल में दिमाग में जब बार बार आपका ख्याल आ रहा है ना, तो एक ही ख्याल आ रहा है कि आपको अपने साथ ना किसी बंधन में बांध लिया जाए, शादी कर ली जाए, इंगेजमेंट कर ली जाए, या फिर कुछ भी अगर इस पर्सन की तरफ से आपने एक्सपेक्ट किया है वो सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी कर दे ये पर्सन। तो ये पर्सन इसके बारे में सोच विचार कर रहा है और इस वक्त इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप भी शायद सेम चीज़ें इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, बस देर है तो आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की, सारी चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी, आप एक हैप्पी फैमिली होंगे, इस तरह की पर्सन सोचता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।